السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى معزز اور لائق تکریم علماء امت حاضرین مجلس آج کا یہ محتم بالشان دورہ علمیہ جو کئی اہل علم کے دروس پر منعقد کیا گیا ہے یقیناً علمی مسائل کو کتابوں کے ذریعے آپ تک قریب کرنے کی ایک کامیاب ترین کوشش ہے جس پر پروگرام منعقد کرنے والے ذمہ داران خاص طور سے اس ادارے کے روح رواں شیخ فیض اللہ حفظہ اللہ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ کے مستحق ہیں اللہ رب العالمین ان کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام کی اس عظیم الشان حاضری کو شرف قبولیت بخشے وقت بہت محدود ہے 11:30 ہو چکے ہیں اور 12:45 تک اس درس کا سلسلہ بإذن اللہ جاری رہے گا موضوع جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر ایک نہایت ہی عظیم الشان کتاب امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی الداء والدواء کو ملخص طور پر
आपके दरमियान पेश करने की सआदत हासिल करनी है। इस किताब का नाम अहले इल्म के दरमियान नया नहीं है। अहले इल्म शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और इमाम इब्न अल-क़य्यिम अल-जौज़िया रहमहुमुल्लाह की कोशिशों से और उनकी किताबों से गाफिल नहीं हैं, बल्कि मारूफ हैं और लोगों के दस्तरस में हैं। ये किताब इन्हीं अज़ीमुश्शान किताबों में से एक है जिन्हें बड़ी कबूलियत हासिल हुई, जिन्हें पढ़ा और पढ़ाया गया और हर तरह के लोगों ने अहले इल्म से लेकर के तबके में समाज में पाए जाने वाले दीगर तलब इल्म तक इस किताब को पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं। इस किताब का कोई और भी नाम है या अकेला यही एक नाम है? ये किताब जो अद्दाओ दवा के नाम से मशहूर है, क्या इस किताब का कोई और भी नाम है? आप अहले इल्म से सवाल है। देखिए, अगर जवाब मालूम रहे तो सिर्फ हाथ उठाना काफ़ी है, मुमकिन है उसमें से किसी को इख्तियार किया जा सके। जी इधर से कुछ जवाब आए, ज़रा खड़े होकर जवाब दीजिए। लेमन साला अन दवा शाफी, अहसंत, बारकल्लाहु फीक। जवाब में नाम जिक्र किया गया, अल जवाबुल काफी लिमन साला आनी दवा शाफी। इन दोनों नामों से ये किताब जानी जाती है और दोनों ही नामों से ये किताब छपी भी है। मैंने इसलिए ये नाम आपके सामने दोनों जिक्र करना मुनासिब समझा ताकि दोनों को आप अलग अलग किताब ना तसव्वुर करें। ये दोनों एक ही किताब है जिसके ये दो नाम हैं। इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस किताब में जो गुफ्तगू की है, ये किताबी शक्ल में हमारे दरमियान छपी हुई ये किताब है, दरअसल ये एक इस्तिफ्ता का जवाब है। एक सवाल किया गया, फतवा तलब किया गया और उसी इस्तिफ्ता का जवाब इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा, जिसे हम अद्दाओ अद्दवा के नाम से जानते हैं। तो दरअसल ये जवाब है एक सवाल का। वो सवाल क्या है? किताब के शुरू में वो सवाल जिक्र किया गया है, 4-6 सत्रों पर मुश्तमिल ये सवाल है। पहले पेज में, किताब के पहले सफ़े में वो सवाल जिक्र किया गया है और उसका जवाब मुअल्लिफ ने किताबी शक्ल में दिया है। मैं चाहता हूँ कि उस सवाल को पढ़ दिया जाए, बहुत मुख्तसर सा सवाल है, और उसके बाद मुअल्लिफ ने जो जवाब दिया है, जो इस किताब की शक्ल में हमारे दरमियान है, फिर उसके ताल्लुक से मज़ीद कोई गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। अगर ये किताब किसी के सामने है तो इसके पहले पेज पर
मैं खुद इबारत पढ़ता हूँ पहले पेज पर जो कि सफ़ा नंबर 3 है। कहते हैं मा तकूलु सादतुल उलमा व अइमतुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन फी रजुलिन उबतुलिया बिबलिया वालिमा अन्हा इन इस्तमरत बिही अफसदत अलैही दुनियाहु व आखिरतह وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعانى مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه अफ्तूना माजूरीन। ये है वो सवाल जो इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमहुल्लाह से किया गया, जिसका ख़ुलासा ये है कि एक शख्स एक मुसीबत में वाक़े हो गया, अगर वो मुसीबत जिसको बलिया से इन्होंने ताबीर किया है अगर वो मुसीबत बरकरार रही तो अंदेशा है कि उसकी वजह से दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और तबाह हो जाएगी। कोशिश किया गया कि उस बलिए को उस मुसीबत को दफ़ा कर दिया जाए, और उस दफ़ा करने के जितने भी रास्ते और तरीक़े थे हर रास्ते और तरीक़े को आज़माया गया, पर मर्ज़ बढ़ता गया जूँ जूँ दवा की। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसके ताल्लुक से आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। जो अपने जो रब के बंदों की मदद में लगे रहते हैं, ये है दरअसल वो सवाल जो मुअल्लिफ से किया गया। गोया कि एक मुसीबत में गिरफ्तार शख्स मुसीबत से निकलने के रास्ते दरियाफ्त करना चाहता है कि उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। सवाल, इस सवाल से हमें क्या लगता है कि वो मुसीबत जिसके ताल्लुक से सवाल किया गया है उस मुसीबत का इसमें सवाल में तज़किरा है? क्या इस सवाल के अंदर मुसीबत का नाम लिया गया कि कौन सी मुसीबत है? सवाल में उसका जिक्र नहीं है, सवाल में उसका कोई तज़किरा नहीं है। और मुअल्लिफ ने जवाब दिया है, जवाब की रोशनी में हमें पता लगाना है कि वो कौन सी मुसीबत है। दूसरी बात ये कि यहाँ मुसीबत को दफा करने की बात कही गई है, और मुअल्लिफ ने इस किताब के अंदर जो गुफ्तगू की है वो मुसीबत के आने से पहले और मुसीबत के आ जाने के बाद दोनों पहलुओं पर इन्होंने गुफ्तगू किया है। मुअल्लिफ की गुफ्तगू सवाल से बढ़ करके है। सवाल में क्या बात कही गई है कि मुसीबत में वाक़े हो चुका है इंसान, उस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है? अगर सीधा और सिंपल जवाब इसका ढूंढना हो तो हम ये कहेंगे उसके लिए जो इस मुसीबत से निकलना चाहे फलां काम करना है तो वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन मुअल्लिफ ने दोनों पहलुओं पर गुफ्तगू की, मुसीबत में वाक़े ना हो इसलिए उसको कौन सा काम करना चाहिए, और अगर वाक़े हो चुका हो तो फिर क्या करना चाहिए। दोनों तरह की बातें इस किताब के अंदर मुअल्लिफ ने काफ़ी तफसील से ज़िक्र की हैं। और लगे हाथों में ये भी इशारा कर दूं
कि आगे चल करके मुअल्लिफ के जवाब में इशारा मिल रहा है कि इस मुसीबत से मुराद, इस बलिए से मुराद इश्क की बीमारी है। कौन सी बीमारी? इश्क की बीमारी है, वो शहवात जो हर इंसान अपने सिन्फ़े मुखालिफ के तईं पाता है, उस शहवत के तईं वो पूछना चाहता है कि मैं किसी के ताल्लुक से अपने अंदर ये कमज़ोरी पा रहा हूँ और निकालना चाहता हूँ, उससे अपने आप को बाहर करना चाहता हूँ, पर ऐसा करने पर मैं कादिर नहीं हूँ। बल्कि वो ख्वाहिश, वो चाहत, वो मोहब्बत जिसको इश्क से ताबीर किया गया है, वो बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं लेती। ये है दरअसल वो बलिया जो कि आज के दौर में घर घर की कहानी बन चुकी है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस किताब का पढ़ना, इस किताब का समझना दरअसल हर उस शख्स के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने घरों को इस तरह की बीमारियों से सेफ करना चाहता हो, अपने आप को, अपने घर के तमाम अफराद को मरज़ुश शहवात से बचाना चाहता हो। मरज़ुश शहवात के क्या नुकसानात हैं उनको जानकर आला बयीना आला बसीरा अपने आप को उससे अलग करना चाहता हो और कामयाबी के रास्ते पर लगना चाहता हो। फिर ये किताब जो हम देख रहे हैं काफ़ी ज़खीम है। अगर इसको पढ़ा और पढ़ाया जाए तो काफ़ी वक्त दरकार है। 573 सफ़ात हैं इस तबा के हिसाब से, इसमें 573 सफ़ात हैं फहारिस को छोड़कर। तो इतने सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब को पढ़ने के लिए वक्त दरकार है। आज के इस मुख्तसर से प्रोग्राम में किताब को मुकम्मल तौर से पढ़ना मकसूद नहीं है, बल्कि किताब को जानना है और किताब के मज़मून के ताल्लुक से, मुहतवा और मशमूलात के ताल्लुक से कुछ मोटी मोटी बातें जो मुअल्लिफ ने इसमें ज़िक्र की हैं उससे आगाही मकसूद है। इसलिए वक्त के तकाजे के एतबार से मैं अपनी बातों को इसमें ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा। मुअल्लिफ ने इस किताब में जितनी भी गुफ्तगु की हुई है, अगर उसे हम तकसीम करना चाहें मौजूआत के एतबार से, तो इसके कुल 5 बड़े और ज़ैली मौजूआत बन सकते हैं। 5 बड़े और ज़ैली मौजूआत इसके बन सकते हैं। ये 5 मौजूआत क्या क्या हैं? पहला मौजू, इसका पहला जो मौजू है
दुआ और हुस्ने ज़न, दुआ और हुस्ने ज़न के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना और रब्बे करीम से अच्छा गुमान रखना, रब्बे करीम के ताल्लुक से हुस्ने ज़न कायम करना, ये इसका पहला मौजू बन सकता है। अभी दोबारा पलट कर हर मौजू से मुतालिक वक्त के एतबार से गुफ्तगू की जाएगी कि उसमें क्या क्या बातें मुअल्लिफ ने उस मौजू के तहत में ज़िक्र की हैं। दूसरा जो बड़ा मौजू इसके अंदर आ सकता है वो मौजू है अल उकूबात अल क़दरिया लिल मासी। इंसान गुनाह करता है तो उस पर सजाएं मिलती हैं। जो भी अमल होता है, जो भी इंसान की तरफ से एक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन रहता है। तो इंसान अगर गुनाह का कोई काम किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तकदीर के तौर पर बतौर असबाब के अगर इंसान खाना खाए तो उसका पेट भर जाता है, पानी पिए तो उसे सैराबी हासिल हो जाती है। इसी तरीके से अगर वो कोई गुनाह करता है तो रिएक्शन के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस पर क्या सज़ाएं आती हैं, इसी को कहा है अल उकूबातुल क़दरिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस पर मुतय्यना सज़ाएं, यह है दूसरा बड़ा मौजू। अभी आगे इंशाल्लाह इसकी कुछ तफसील। तीसरा जो बड़ा मौजू है अल उकूबात अश्शरईया, अल उकूबात अश्शरईया लिल मासी, अल उकूबात अश्शरईया लिल मासी। शरीयत इस्लामिया ऐसे गुनाहों पर क्या सज़ाएं मुतय्यन करती हैं? चोरी करते हैं तो हाथ काट दिया जाएगा, और शादीशुदा अगर ज़िनाकारी करता है तो रजम कर दिया जाएगा। नाहक किसी का खून बहाता है तो क़िसास में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरी और कौन सी सज़ा है? दो सज़ाओं का मैंने तज़किरा किया है, सज़ाएं कुल तीन हैं। शरीयत की तरफ से सज़ाएं कुल तीन हैं, दो का मैंने ज़िक्र किया है। मौजू नहीं पूछ रहा हूँ, सज़ाएं पूछ रहा हूँ। दो सज़ाओं का मैंने तज़किरा कर दिया, क्या है सज़ाएं? नंबर एक जो मैंने ज़िक्र किया, नंबर एक कत्ल, नंबर दो क़त्ल। दो मैंने ज़िक्र किया है अल कत्ल और दूसरा है अल क़त्ल, ये दो मैंने ज़िक्र किया, अल कत्ल और अल क़त्ल, ये दो सज़ा मैंने ज़िक्र किया है। अहसंत बारकल्लाहु फीक, अल जल्द, अहसंत अल जल्द, ये तीसरी सज़ा है अल जल्द, कोड़े मारना। ये तीन सज़ाएं हैं जो शरीयत ने अल उकूबातु शरईया, शरीयत की तरफ से जो सज़ाएं मुतय्यन की गई हैं अगर जायज़ा लिया जाए तो ये सज़ाएं कुल तीन तरह की आती हैं। क
قتل قطع اور جلد جلد یعنی کوڑے مارنا کوڑے مارنا یعنی کئی طرح کے جرم ہیں اور ان جرموں کی سزا شریعت نے انہی میں سے ایک شراب پینا ہے کہ شراب اگر کسی شخص نے پیا ہے تو اس شخص کو کوڑے مارے جائیں گے یہ تین موضوعات ہو گئے چوتھا جو موضوع ہے چوتھا جو موضوع ہے وہ ہے علاج العشق علاج داء العشق علاج داء العشق عشق کی بیماری کا علاج اور یہی اصل موضوع ہے اس کتاب کا اس کتاب کا اصل موضوع یہی ہے علاج داء العشق پانچواں جو موضوع ہے اس میں وہ ہے بعض فوائد العشق بعض فوائد العشق والرد علیہ کہتے ہیں شبہات اور اس کا ازالہ شبہات اور اس کا ازالہ تو جب اس کا علاج ذکر کیا گیا تو بطور شبہ کے لوگوں نے اس کے فائدے ذکر کرنا شروع کر دیے تو ان فوائد کو جو لوگوں نے ذکر کیا اور اس پر بہت سارے واقعات بھی ذکر کرنے لگے تو مؤلف نے کیا کیا ایک ایک کو لے کر کے اور اس کو رد کر دیا یہ کل پانچ بڑے موضوعات ہیں اس کتاب کے جو مؤلف نے اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں بورڈ کو دیکھے بغیر اور کاپی میں دیکھے بغیر پانچ بڑے موضوعات جو مؤلف نے ذکر کیے ہیں کون بتائیں گے ہاتھ اٹھا کے بورڈ میں دیکھے شرط کے ساتھ المسلمون عند شروطہم بورڈ اور کاپی میں دیکھے بغیر پانچ جو بڑے موضوعات اس کتاب کے ہیں کون کون بتائیں گے دیکھیں جو نہیں ہاتھ اٹھائیں گے انہی سے میں پوچھوں گا جی جی ہاتھ اٹھائیں جو بتانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں بھائی محروم نہیں کیا جائے گا جو بتانا چاہتے ہیں محروم نہیں کریں گے پیچھے سے شروع کرتے ہیں جی آپ بارک اللہ فیک احسنت احسنت جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکم جی شیخ آپ گرچہ ہاتھ نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں تھوڑا خاموشی تاکہ سنیے جواب سنیے حسن ایک چھوٹ رہا ہے احسنت العقوبات الشرعیہ ابھی پورا نہیں ہوا نہیں کوئی بات نہیں آپ کے پڑوسی پورا کریں گے جی جی آپ ہاں کہاں تک پہنچے تھے ہو کہاں تک پہنچے تھے اس کے آگے نہیں وہ کہاں تک پہنچے تھے العقوبات الشرعیہ حسنت پورا کیجئے العقوبات الشرعیہ پورا کیجئے للمعاصی احسنت ہو گیا اس کے بعد
इलाजुदाइलिश वर्रद्दुआले जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ये असल में कुछ अहम मौजूआत थे जो मुअल्लिफ ने अपनी इस किताब के अंदर ज़िक्र किए हैं। चूँकि हम लोग किताब मुकम्मल पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसकी हम जहन नशीन कर सकें ताकि जब भी किताब पढ़ना हो तो इन चीज़ों को हम उसमें ढूंढें कि ये चीज़ें उसमें मौजूद हैं और कहाँ मौजूद हैं। आइए एक बार पलट कर जो मौजूआत इसमें ज़िक्र किए गए हैं उसकी रोशनी में समझने की एक कोशिश करते हैं। इन मौजूआत को एक बार आप जहन में रख लें और जहन में रखने के बाद एक चीज़ को बताएं दिल लगा करके कि मुअल्लिफ क्या करना चाहते हैं। इन मौजूआत को जिक्र करके उनका हदफ और टारगेट क्या है। जवाब देने के लिए उसका तरीका यह है कि हाथ उठाया जाए। हाथ उठाएंगे और अगर नहीं भी उठाएंगे तब भी जवाब देना है, इसलिए कि सवाल और जवाब से बातें जहन नशीन हो जाती हैं। जी आप खड़े हो, सवाल क्या है? बारकल्ला फेक। इन मौजूआत के पीछे मुअल्लिफ का मकसूद क्या है, कौन सा ऐसा टारगेट और हदफ है मुअल्लिफ के सामने जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। जी शेख मोहतरम, अगर चाय पी के फारिग हो गए हैं, जी आप खड़े हो। किताब का यही नाम है हसन, जो अद्दा के माने बीमारियां क्या हैं, अद्दवा के माने उसका हल क्या है। अच्छी तशरीह है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। जी थोड़ा पीछे से एक जवाब इस लाइन से। अब ज़्यादा पीछे मुड़ के देखने के बजाय आप ही खड़े हैं जी। बिस्मिल्लाह बोलिए। मुअल्लिफ इस किताब के ज़रिए से जो मौजूआत अभी आपके सामने मुख्तसरन जिक्र किए गए इसकी रोशनी में हम एक फैसला लें कि मुअल्लिफ ये चाहते हैं। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल टारगेट पे निशाना लगा। और अगर कोई जवाब बीच से, हाँ जी बार भाई जी बताइए। ये है सही जवाब, ये है सही और कामिल जवाब। इंसान के अंदर जो नफ्स, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, आप उसको एक बार रिपीट कीजिए। मैंने गुफ्तगू के आगाज में एक आयत पढ़ी है, कद अफलह मन तज़क्का, कद अफलह मन तज़क्का। ये किस तज़किये की बात हो रही है? दिल की तज़किये की बात हो रही है, दिल को पाक साफ करने की बात हो रही है। किस चीज से? हर उस चीज से जो उस दिल के लिए बायस ज़रर है, जो दिल के लिए नुकसानदेह है। अगर उस दिल को पाक और साफ कर लिए तो कामयाबी रब्बे करीम ने कहा यकीनी है। मुअल्लिफ ने उसी कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाने के लिए तज़किए नफ्स का मामला क्लियर करके पेश कर दिया है, बीमारियों की तशखीस करके जैसा कि आपने कहा, और बीमारी की तशखीस हो जाने के बाद उसका इलाज पेश करके। सिर्फ इश्क के मौजू को इन्होंने नहीं लिया है,
बल्कि इश्क से मुतालिक और भी जो बीमारियां इस नफ्स से जुड़ी हुई हैं, वो बीमारी भी नफ्स से जुड़ी हुई है इश्क की, लेकिन वो अकेले नहीं है जो इस दिल का हिस्सा है, बल्कि उसके अलावा भी और भी बीमारियां हैं जो इस दिल के अंदर पाई जाती हैं। मुअल्लिफ ने इस दिल से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों को लिया है, उसकी तशखीस की है और उसका कामयाब तरीन इलाज तजवीज़ किया है कि अगर उसे हम अपना लें तो कामयाबी यकीनी है। अब बताइए, तज़किए नफ्स का ये तसव्वुर मुअल्लिफ के नज़दीक, अगर उसको ख़ुलासा करना चाहें, तज़किए नफ्स का जो तसव्वुर मुअल्लिफ ने पेश किया है उसका अगर ख़ुलासा करना चाहें तो कितने निकात पर मुश्तमिल उसका ख़ुलासा पेश कर सकते हैं, यानी तज़किए नफ्स कैसे हासिल होगा मुअल्लिफ की गुफ्तगू की रोशनी में। हाथ उठाइए, नहीं भी आए तब भी हाथ उठाएं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना उठाने से, हाथ उठाने से हमको भी हौसला मिलता है। सवाल वाज़े है या नहीं वाज़े है? सवाल कम से कम अगर वाज़े हो जाए तो तसल्ली हो जाएगी कि हाँ कुछ क्लियर हो रहा है। सवाल वाज़े नहीं है, सवाल दोबारा कह रहा हूँ। मुअल्लिफ गोया की इस्लाह नफ्स की बात कर रहे हैं, मुअल्लिफ गोया की इस्लाह नफ्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने नफ्स की इस्लाह कर लें तो कामयाबी हमें मिलेगी। सवाल यह है कि इस्लाह नफ्स कैसे होती है? अब सवाल वाज़े है, इस्लाह नफ्स का तरीक़ा क्या है? ये हर दिल की ज़रूरत है और हर मोमिन का तोशा है। वाज़े है सवाल, इस्लाह नफ्स का तरीक़ा आप जवाब देंगे? जी खड़े होइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ या और भी कुछ? माशाल्लाह, ज़बरदस्त आपने आगाज़ किया है। इधर से भी हाथ उठाए थे जी ध्रुव भाई। हाँ, यही इन्होंने पकड़ा है, अद्दुआ हुस्नुज़्ज़न, ये भी पकड़ करके बता रहे हैं इसको अगर हमने ले लिया तो इस्लाह नफ्स का मसला क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ज़रूर जी, पीछे से थोड़ा इसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे जी। माशाल्लाह, बेशक लेकिन वो कैसे होगी, सवाल है कि वो कैसे होगी। जी फैसल भाई, थोड़ा गौर से सुनिए। देखिए, जवाबात में कुछ ऐसी नादिर चीज़ें आती हैं जो आदमी को आसानी से दस्तियाब नहीं होती। जी जज़ाकअल्लाह खैर, आपके पीछे भी है जी शेख। देखिए, मैं वक्त इसमें सवाल जवाब में इसलिए ले रहा हूँ, चंद ही बातें करनी है तो क्यों ना थोड़ा क्लियर गुफ्तगू कर ली जाए। जी बारकल्लाह, जज़ाकअल्लाह।
जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फिक, बहुत पॉइंट की बात आपने ज़िक्र की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी आखिरी जवाब, इधर से भी मैं चाहता हूँ थोड़े से मुशारकत हो जाए, इधर इधर उधर नहीं, अब इस तरफ, अगर हाथ नहीं उठाते हैं तो बीच से जी आपके पीछे, उनके पीछे जो एकदम, हाँ जिक्र और दुआ के जरिए से जो इलाज किया जाता है वो तस्किया नफ्स भी हो सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए बातें ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मुख्तसर सा इसका जवाब ये है कि अत्तस्फिया सुम्मत तरबिया, उसका मुख्तसर सा जवाब क्या है, सुम्मत तरबिया, अत्तस्फिया व तरबिया। तस्फिया अत्तरबिया, ये मुख्तसर में वो दो मराहिल हैं जो किसी भी नफ्स की इस्लाह के लिए और उसके तज़किये के लिए ज़रूरी हैं। इसी को दूसरे अल्फाज में, इसी मसले को, इसी जवाब को दूसरे अल्फाज में अत्तखलिया, अत्तखलिया सुम्म तहलिया, अहसन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अत्तखलिया बस सिर्फ नुक्ते का फर्क है, एक में नुक्ता रखना है एक में नहीं रखना है। अत्तखलिया सुम्म अत्तहलिया, पहले दिल की ज़मीन को, पहले दिल की ज़मीन को हर शर्रो फसाद से, हर तरह के खुफ़ बातिन से पाको साफ कर दें, उसका इजाला फरमा दें, उससे दिल को खाली कर दें। यह है पहला बंद, उसको आप तस्फिया भी कह सकते हैं, तखलिया भी कह सकते हैं, खाली कर दे। तखलिया का मतलब खाली कर देना, तस्फिया का मतलब साफ कर देना। तो पहले दिल को खाली कर दें किस चीज़ से, हर वो चीज़ जो हमारे नफ्स के लिए ज़रर और नुकसान का बाइस हो, जिससे भी हमारे दिल को नुकसान पहुंचने वाला है वो दिल में नहीं होना। अब आप फैसला करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारे दिल को तकलीफ पहुँचती है। शरीयत की ज़ुबान में अगर जानना चाहेंगे तो शरीयत उनका नाम जो देती है, क्या क्या नाम है, आप कह सकते हैं शिर्क, अब आगे आप जोड़ सकते हैं बिदायत हैं, कबायर हैं, सगायर हैं, क्या यही चीज़ें हैं कि जिससे दिलों को नुकसान पहुंचता? शिर्क है, शिर्क के साथ कुफ्र भी आप जोड़ लें, शिर्क, बिदायत, कबायर और सगायर, ये वो चीज़ें हैं कि उनका कोई भी हिस्सा दिल तक पहुंचता है तो उसे नुकसान पहुंचाता है, दिल को ज़रर पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। इल्ला मन अतल्लाहा बिकल्बिन सलीम, सलीम किस चीज़ से, सलीम मिन अश्शिर्क, सलीम मिन अलबिदा, सलीम मिन जमीअ ज़ुनूब वल मआसी, हर तरह के दगल से, हर तरह के शर्र व फसाद से
हर तरह की कमी से, हर तरह के खुब्स से दिल अगर सालिम है, पाक है, तो उसको सलीम कहा जाएगा। इल्ला मनतल्लाह बिकल्बिन सलीम। ये पहला मरहला हुआ। पहले मरहले को रब्बे करीम की ज़ात और सिफात के साथ अगर जोड़ना चाहें, वो कैसे जोड़ेंगे? बारकल्लाह फिक जी, ज़रा ज़ोर से, सुबहानअल्लाह। तस्बीह के ज़रिए से, तस्बीह के कलिमात रब्बे करीम की ज़ात को उन तमाम उयूब और नकाइस से पाको साफ कर देते हैं जिससे दुनिया वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन को मौसूफ करते हैं। दुनिया वाले, रब पाक है पहले से, उसे पाक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रब पाको साफ है, लेकिन दुनिया वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ निस्बत करते हैं। तो जो भी ऐसी निस्बतें हैं जो हमारे रब की ज़ात, उसके अस्मा और सिफात के लिए नक्स और ऐब का ज़रिया और सबब हैं, हमारा शरई फरीज़ा बनता है, हम क्या करें? दो फ़राइज़ बनते हैं, उनमें से पहला फरीज़ा है इज़ाला, अत्तखलिया, अत्तस्फिया, पहला है। ये पहला फरीज़ा है कि हम रब्बे करीम की सुबह शाम तस्बीह बयान करें। तस्बीह तो अपने लिए भी वो काम करना है, अपने रब के लिए भी वो काम करना है। अपने लिए करेंगे तो अपना नफ्स पाक होगा, और रब्बे करीम के लिए करेंगे तो हमारे रब की ज़ात जो पहले से पाक व साफ है, हम अपनी इस ज़ुबान को इस इबादत के ज़रिए से तकर्रुब का ज़रिया और सबब बनाएंगे। और दूसरा मरहला क्या है इसमें? अत्तहलिया। दूसरा मरहला है तहलिया का। ये मरहला पूरा हो गया, तखलिया का मरहला पूरा हो गया, पाको साफ आपने कर लिया, तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? हैं? अब उसको फिल करना है, अब उसको भरना है। देखिए, इसके अंदर साफ सुथरा पानी, अगर गंदा पानी है तो उसको आप खाली कर दें और उसके बाद फिर इसके अंदर साफ पानी भर दें। तो साफ पानी भर देना, ये तहलिया हुआ। आपने उसको मुजय्यन कर दिया, उसको संवार दिया, उसको भर दिया। क्योंकि दिल इंसान का अगर अच्छी चीज़ों से आबाद ना किया जाए, खैर की चीज़ों से अगर उसको पुर ना किया जाए, तो शर और बातिल उसके करीब पहुंचता है और उस दिल को आबाद करता है। ये फितरत का तकाजा है कि जो मेहनत करेगा, जो आगे बढ़ेगा, दिल उसका इस्तकबाल करेगा। दिल खाली कर दिया तो आपने आधा मार्का सर कर लिया, लेकिन अभी ठंडे नहीं पड़ना है, अभी खामोशी से बैठना नहीं है, असल काम अभी बाकी है, दिल को आबाद करने वाला काम। दिल अभी साफ सुथरा है, खाली है, ऐसे जैसे कि माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो, खाली होता है, लेकिन उसमें इल्म व हिकमत की कोई चीज़ नहीं होती उस बच्चे में। ऐसे उस शख्स का भी हाल है जिसने अपने दिल की पाकी और सफाई का मसला क्लियर कर लिया हो। अब उसके बाद उसे चाहिए कि नेकी और खैर के काम से दिल को आबाद कर दे। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकाम सलाह। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से बंदा अपने दिल को आबाद करेगा। जिस दर्जा आबादी दिल की इन आमाल सालेहा के ज़रिए से होगी, ईमान के शोबों से होगी, ईमान की जो शाखें हैं उनके ज़रिए से इंसान करेगा, उसी दर्जा तज़किए नफ्स उसे हासिल होगा,
फला तुज़क्कु अनफुसकुम हुआ अअलमु बिमन इत्तका, हुआ अअलमु बिमन इत्तका। तो आखिर में अल्लाह ने तकवे का जिक्र किया है। ये वो अमल है, ये वो वस्फ है जिससे दिल को आबाद किया जाना है। जिस दर्जा तकवा की ये सिफत उस दिल के अंदर आएगी, तज़किए नफ्स का ये मरहला इंसान को हासिल होगा। तो मुअल्लिफ ने इस किताब के ज़रिए से जो चाहा है वो ये चाहा है कि हर शख्स अपने नफ्स को हर तरह की गंदगी से पाक व साफ कर ले, जिसमें से इश्क की गंदगी भी है, इश्क की बीमारी भी है, और इस जैसी बहुत सारी शहवात हैं कि जो बीमारियां इंसान के दिलों तक पहुंच करके उसको नुकसान पहुंचाती हैं, छोटा और बड़ा नुकसान। तो ये पहली चाहत उनकी है। दूसरी चाहत ये है कि उसको आप आबाद कर दें। खाली छोड़ देना ये कमाल नहीं है, खाली को पुर कर देना अच्छी चीज़ों से ये कमाल है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को नकाइस और उयूब से सिर्फ पाक करके छोड़ देना ये रब की तारीफ नहीं है। रब की तारीफ ये है कि आप कमाल सिफात से रब करीम को मुत्तसिफ फरमा दें, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नकाइस से पाक है और इसके अपोजिट के कमाल सिफात से वो मुत्तसिफ है। ये रब्बे करीम के हक में कमाल है और ये उसकी तारीफ है। तो दूसरा वाजिब क्या निकला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से? पहला वाजिब था तस्बीह बयान करना। दूसरा वाजिब क्या है? नकाइस से पाक करना, ये तो बात आ चुकी है। जी सुभान अल्लाह के अलावा जो कलिमात हैं वो सब यही हैं। सुभान अल्लाह के बाद जो भी कलिमात हैं वो सब यही हैं। आप चाहे कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सारे कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बायसे तारीफ है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमाल को बयान करने वाले हैं। उससे हमारे रब का वो वस निखर कर सामने आता है जिससे हमारा रब मुत्तसिफ है। जो दूसरा मौजू था अलअकूबातुल कदरिया, अलअकूबातुल कदरिया, अगर इन अकूबात को तकसीम करना चाहें या मुअल्लिफ ने जो जिक्र किया हुआ है, जो सज़ाएँ रब्बे करीम की तरफ से इंसानों को गुनाह की वजह से दी जाती हैं, अगर इन सज़ाओं को हम तकसीम करना चाहें तो कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? तीन। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। सवाल किसी ने सुना है? ये पहले वाला है। सवाल क्या है? ये उकूबात शरिया का जवाब है। सवाल क्या है? उकूबात कदरिया। उकूबात शरिया के ताल्लुक से मैंने ये तीन चीज़ों का जिक्र किया था, लेकिन अभी सवाल किस चीज़ का है? उकूबात कदरिया शरिया का जिक्र हो चुका है।
लेकिन एक सवाल आता है, उकूबात कदरिया को अगर हम तकसीम करना चाहें तो कितने हिस्सों में तकसीम। उकूबात कदरिया से मुराद गुनाहों पर रब्बे करीम की तरफ से मुतरतिब होने वाली सजाएं, गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसानों को जो सजाएं दी जाती हैं उन्हें उकूबात कदरिया कहा जाता है। तो अगर इन सजाओं को हम समझना चाहते हैं तो कितने हिस्सों में इन सजाओं को तकसीम कर सकते हैं? पांच, तीन, आठ। जी बारकल्लाह फिक। और आपने बहुत सही जवाब दिया, दुनियावी सजा और उखरवी सजा। जवाब बिल्कुल सही है। दुनियावी सजा को कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? अहसन, तबारकल्लाह फिक, यही जवाब है, यही जवाब है। दुनियावी सजाओं को जो इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुरतब होती हैं किसी भी गुनाह के करने पर, या तो वो सज़ा इंसान के दिल पर मुरतब होती है, नुकता फी क़ल्बिही नुक्तातुन सौदा, नुकता फी क़ल्बिही नुक्तातुन सौदा, सही हदीस, सियाह नुक्ता पड़ जाता है दिल पे। और लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युसिरून बिहा व लहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। ये आयत किस लिए मैंने पढ़ी है? क्या बताने के लिए? सजाएं, ये सजाएं दिल पर भी आती हैं, जिस्म पर भी आते हैं। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ये सजाएं हैं कि नहीं हैं? ये सजाएं हैं अल्लाह की तरफ से कि इंसान अगर गुनाह के काम करेगा, इंसान की ज़िंदगी में अगर जुनूब और मासी पाए जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस पर सजाएं मुरतब हैं। जैसे कि हमें भूख लगती है तो भूख को ख़त्म करने के लिए हम खाना खाएंगे तो सैराब हो जाएंगे, आसूदगी हो जाएगी। और प्यासे हैं पानी पिएंगे तो सैराबी हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर गुनाह के काम हमसे सरजद होते हैं, गुनाह का काम अगर हमसे वाक़े होता है तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सजाएं हैं। ढेर सारी सजाओं को जो किताब व सुन्नत के अंदर ज़िक्र की गई हैं, जिनको मुअल्लिफ ने बहुत लंबी गुफ्तगू करके वो मिन आसारी जुनूब करके ज़िक्र किया है, तो उन सारी चीज़ों को अगर हम समेटना चाहें तो इन दो हिस्सों के अंदर समेट सकते हैं। एक का ताल्लुक दिल से है और दूसरे का ताल्लुक बदन से है। बदन में जैसे आपका कान है, आपकी आंखें हैं, आपकी ज़ुबान है, ये सब बदन है, बदन के ज़ाहिरी हिस्से हैं। कि इंसान कान से बातों को सुनेगा पर उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, कानों से सुन रहा है। आँखों से खैर की चीज़ें देखेगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा उसे हासिल नहीं होगा क्योंकि मुहर लग चुका है, सियाह हो चुका है दिल जहाँ से उसको ऑर्डर मिलना था। इसको कैसे बदलेंगे, काबिले इस्लाह कैसे बनाएंगे? है तखलिया से। हसन, बारकल्लाह फिक, तखलिया से। तखलिया का एक ही तरीका है कि कसरत से तौबा इस्तिगफार करें।
तखलिया का एक ही तरीक़ा है कि कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, यानी उस गंदगी से जो रुकावट बनी हुई है और समझने और फ़ायदा उठाने के रास्ते का वो रुकावट है, उसे हम धुल दें, जो तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए ही से मुमकिन है। इससे आप कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार की हिकमत को समझ सकते हैं कि क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। तो ये कितनी किस्में हो गई हैं उक़ूबात क़दरिया की, हाँ तफसील में नहीं जा सकते। मुअल्लिफ़ ने बहुत तफसील से इस मसले पर गुफ्तगू किया है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा तफसील नहीं बयान कर सकते। अलबत्ता अगर गुनाहों को हम तकसीम करना चाहें, गुनाहों को तकसीम करना चाहें, इंसान कई तरह के गुनाह करता है, इंसान कई तरह के गुनाह करता है, अगर उसकी फहरिस्त आप लिखेंगे तो लंबी होगी, लेकिन उन गुनाहों को आप अगर बांटना चाहें, तकसीम करना चाहें, तो कितने हिस्सों में उन्हें तकसीम किया जा सकता है? दो हिस्से, सगायर कबायर, मारूफ, ये दो हिस्से। सगायर और कबायर को अगर तकसीम करना चाहें तो कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? सगायर कबायर को, ये गुनाह हैं, इन गुनाहों को अगर हम तकसीम करना चाहें तो कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? देखिए वक्त के एतबार से मैं ज़्यादा नहीं ठहरूंगा। इंसान के अंदर जो क़ुव्वतें हैं, जितनी तरह की क़ुव्वतें हैं उतने तरह के गुनाह उससे सरज़द होते हैं। इन क़ुव्वतों को अगर तकसीम किया जाए तो ये चार बड़ी क़ुव्वतें इंसान के अंदर पाई जाती हैं, चार बड़ी क़ुव्वतें। क़ुव्वत मलकिया, इंसान के अंदर चार बड़ी क़ुव्वतें पाई जाती हैं, क़ुव्वत मलकिया, क़ुव्वत शैतानिया क़ुव्वत सबईया और क़ुव्वत बहीमिया संत। क़ुव्वत मलकिया, क़ुव्वत शैतानिया, क़ुव्वत सबईया और क़ुव्वत बहीमिया। मलकिया यानी फरिश्ता, और शैतान तो मारूफ है, सबईया यानी दरिंदा, और बहीमिया यानी चौपाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक़ पर डाका डालने का एक सुनहरा ख्वाब मलकिया से ताल्लुक़ रखता है। बहुत तफसीली गुफ्तगू है जो इस मौजू पर मुअल्लिफ़ ने की हुई है, इन सारी क़ुव्वतों पर कि इंसान के अंदर जो गुनाह सरज़द होते हैं इन्हीं चारों शक्लों में पाए जाते हैं। और इस किताब का जो मौजू है इसका ताल्लुक आखिर से है, बहीमिया, शहवात नफ्स, शहवात बतन व फर्ज, बहीमिया।
और सबैया का जो ताल्लुक है वो जुल्म व ज़्यादती से है, एतदा अल आखरीन, दूसरों के ऊपर ज़्यादती, खैरख्वाह बन करके किसी को नुस और खैरख्वाही के रास्ते से किसी को गलत रास्ते पर ले जाने की जो सिफत है, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्क ला यबला, ये इस तरह की सिफात इंसानों में पाए जाते हैं, इंसानों में भी पाए जाते हैं, ये भी शक्ल इन कुव्वात में से है यानी शैतानिया। फरिश्ता बनकर के इंसान आता है, सूफी मनुष्य बुजुर्ग, और फिर उसकी इबादत और बंदगी की जाती है अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा की इबादत और बंदगी की जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो महबूद बन करके लोगों के दरमियान जिंदा भी और मुर्दा भी। तो इस तरह की सारी शक्लें अगर देखी जाए गुनाहों की, तो इन्हीं कुव्वतों के दरमियान पाई जाती हैं। तो गुनाह इन शक्लों के अंदर मौजूद हैं, या तो उसका ताल्लुक मलकिया से या शैतानिया से या सबैया से या बहीमिया से, और किताब का ताल्लुक इसी आखिरी से है यानी शहवात नफ्स, जो कि बहीमियत का हिस्सा है। गुनाहों का ख्याल और उसके रास्ते इंसानों तक कई एक है। इंसान तक गुनाह किस रास्ते से आता है? गुनाह का निफाज, गुनाह का मनफज इंसान तक, उसके मदाखिल क्या क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, जी खड़े हो, वसवसा, बारकल्लाह, नफ्स के रास्ते से, नफ्स तक गुनाह के मदाखिल क्या है? गुनाह हर इंसान से सरजद हो जाते हैं, लेकिन उसके मदाखिल क्या क्या हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई मदखल ना बचे। खड़े होके बारकल्लाह फीक, पकड़ लिया इन्होंने, इन नस्समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला, कहना चाहते हैं कान आंख और दिल। जी पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे शेख साहब? अच्छा सेम चीज, माशाल्लाह, वाफक शन्नुन तबका। हाँ, इसके अलावा और कुछ? देखिए ये कुल चार मदाखिल हैं। कितने मदाखिल हैं? ये कुल चार मदाखिल हैं, चार रास्तों से गुनाह इंसान के अंदर दाखिल होता है। ये सब मुअल्लिफ ने बहुत मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू की है, मैंने सिर्फ इशारों में चंद चीजें नोट की हैं। चार रास्तों से आप जानते हैं इन सबको, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। नंबर एक, और ये सबसे खतरनाक है, और इसके ताल्लुक से हम बहुत सुस्ती सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं। नंबर एक, अल्लहजात, अल्लहजात, लहजतुन की जमा है लहजात। नंबर दो, अल खतरात। नंबर तीन, अल्लफजात। नंबर चार, अल खुतुवात। कितने हो गए? चार।
اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات, ان چار راستوں سے گناہ انسان کے اندر آتا ہے. گناہ لحظات کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. کئی بھائیوں نے بتایا آنکھ کان اور اس طرح سے کئی چیزیں, تو انہی میں سے ایک ہے لحظات. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, یہ نہایت ہی خطرناک قسم کا راستہ ہے جو نظر ہے. نظر کو انسان معمولی سمجھتا ہے, مگر نظر کے اندر سامنے والے کی شکل عکس ہو کر کے دلوں تک منتقل ہو جاتی ہے, اس کی شکل و صورت, اور شیطان اس کے اندر تزئین و آرائش کا کام کرتا ہے. لحظات یہ سب سے خطرناک ہے, اور سب سے زیادہ انسان اسے ہلکے میں لے لیتا ہے. یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ, نگاہیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللحظات, تو یہ پہلا ہے. کل الحوادث مبداها من النظر, کل الحوادث, شاعر کہتا ہے کل الحوادث مبداها من النظر, تمام حوادث کا آغاز نظر سے ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک مدخل ہے, یہ بہت خطرناک مدخل ہے, اور اسی لیے حجاب شرعی فرض کر دیا گیا ہے. حجاب شرعی فرض کر دیا گیا ہے تاکہ فتنوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے. دوسرا ہے الخطرات. خطرہ یخطرو کے معنی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے وسوسہ کہا, خطرہ یخطرو کے معنی ہوتے ہیں دل میں اس کے تعلق سے رائے قائم کرنا, سوچنا. خطرہ یخطرو, کھٹک پیدا ہونا دل کے اندر کسی بات کا آنا. اور تیسرا کیا ہے؟ اللفظات, زبان سے بولنا. دل میں وہی چیز انسان سوچتا ہے یا اس کی سوچ کا مرکز اور حصہ بنتا ہے جو اس کے اندر جمع ہوتی ہے. اگر فاسد مادہ ہے تو خطرات اسی انداز کی ہوتی ہیں, اور اگر پاکیزہ مادے ہیں اندر تو خطرات بھی, یعنی سوچ وچار کا سسٹم اسی انداز کا اچھا یا برا بنتا ہے. اور تیسرا ہے لفظات, زبان کا استعمال. اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں الا حصائد السنتهم وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم, جہنم میں اودھے منہ لوگوں کو گھسیٹ کر کے جو ڈالا جائے گا یہ زبان کی وجہ سے ہوگا. اور اس شخص نے جب یہ کہا لا والله لا يغفر الله لك, اللہ کی قسم رب تمہیں معاف نہیں کرے گا, تو رب کریم نے کیا کہا؟ من ذا الذی یتعلی علی اللہ یغفر لفلان, اللہ اغفر لفلان, اللہ اغفر لفلان, فقد غفرت له واحبطت عملک. کیا کہا اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ کلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ, کلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ, ایک کلمہ اس نے جو یہ کہا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, یہ بات اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بن گئی. اللفظات. اور چوتھا اور آخری ہے الخطوات, خطا یخطو خطوتن, چلنا. انسان
अमल में कब आता है? जब इरादे पुख्ता हो जाते हैं, जब फिक्र में पुख्तगी आ जाती है, सोच विचार के अंदर मजबूती आ जाती है, तो फिर इंसान हरकत में आ जाता है, कदम उस तरफ आगे बढ़ता है। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु, यह आखिर मरहला। तो हरकत में इंसान आता है या तो खैर के अमल की तरफ या शर के, शर को अमली जामा पहनाने की तरफ। जब तक वो अमली जामा नहीं पहनाता, उस वक्त तक वो बुराई नहीं लिखी जाती। लेकिन ये आखिरी मरहला पहले मराहिल के ताबे होता, इसलिए हमें इन मदाखिल के ताल्लुक से बहुत ज्यादा मुतनब्बे रहने की जरूरत है। इसी तरीके से इसके इलाज के ताल्लुक से मुअल्लिफ ने दो बहुत अहम बातें जिक्र की हैं, या दो मरहले में इसका इलाज जिक्र किया है, दो मरहले में इसका इलाज जिक्र किया है। वो दो मरहले क्या हो सकते हैं? मुअल्लिफ ने दो मरहलों में इसका इलाज जिक्र किया है, दो मरहले में इसका इलाज किस शक्ल में, किस नौयत में आ सकते हैं? हाँ हाँ, बारकल्ला फिक, जज़ाकल्ला खैर, बिल्कुल सही कहा। इस पर तत्बीक करके बताएं कैसे, जवाब सही है, जवाब सही है, लेकिन थोड़ा क्लियर करके बताएं कैसे। नहीं, उसूल सही जिक्र किए हैं, लेकिन उन उसूल को तत्बीक देना है। इन्होंने कहा तखलिया तहलिया, तो उसको सही माना जाता है, लेकिन उसको इसके इलाज के तौर पर नाफिज करने की जरूरत है ताकि उसको क्लियर किया जा सके। दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। हाँ, बारकल्ला फिक, खौफ, उम्मीद और मोहब्बत। जी जबरदस्त, यही है इसका जवाब। हस्म मादति ही, ये दो रास्ते हैं। हस्म मादति ही कबल हसूलिहा, चूंकि इन्होंने बहुत जामे गुफ्तगु की है इस किताब में, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस मौजू पर भी गुफ्तगु किया है कि कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें अगर अपनाया जाए तो इंसान इस मर्ज का शिकार होगा ही नहीं, या किसी भी मर्ज का शिकार नहीं होगा। क्या चीज हम करें तो हम इस बुराई में अपने आप को पढ़ने से रोक सकते हैं? इसको क्या कहा जाता है अरबी जुबान में? है नहीं, जो मैंने लिखा वो नहीं पूछ रहा हूं। है? आपने इंग्लिश में कह दिया, वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। अहसंत, अलविकायत खैरु मिन अलइलाज, इसको कहा जाता है अलविकायत खैरु मिन अलइलाज। परहेजी करना ये इलाज से बेहतर है। डॉक्टर कहता है फला फला चीज आप मत लीजिए वरना आपको ये परेशानी हो जाएगी, तो आप कहें नहीं, जब परेशानी आएगी तब देखा जाएगा, तो ये आपका फैसला सही नहीं है। अगर आप परहेजी से काम ले लें तो इलाज की मुश्किल से अपने आप को बचा सकते हैं।
الوقایت خیر من العلاج. تو شریعت ہمیں ایسے اصول دیتی ہے کہ جن اصولوں کو اگر اپنایا جائے تو ہم علاج کے مرحلے میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جیسے کوئی آیت ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش. یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ عمل فحش نہ کریں بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل فحش کے قریب نہ جائیں. معنی دو باتیں ہیں، وہ غلط کام نہ کریں اور ہر وہ چیز جو اس غلط کام تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، یعنی اسباب اور غایہ دونوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ ہر طرح کے اسباب جو اس برائی تک لے جانے کا ذریعہ ہے ان سے بچیں. خلوہ سے منع کیا ہے شریعت نے، اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے منع کیا، آفس کے اندر آپ بیٹھ کر کے مشورے کرتے ہیں، آگے کی پلاننگ مرتب کرتے ہیں، شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے. شریعت نے اس سے، کیونکہ یہ آپ کی تنہائی ایک بیماری کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. تو ہر وہ سبب جو ایک غلط چیز تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو اپنانے سے منع کر دیا ہے. یہ ہو گیا پہلا طریقہ. دوسرا کیا ہے؟ اس کا وہی لازمی نتیجہ ہے، قلعها بعد نزولها. کہ بیماری ہو جانے کے بعد اس کا علاج کر دینا، بیماری ہو جانے کے بعد اس کا علاج کرنا. اب سرسری طور پر ایک دو باتیں کہہ کر کے اجازت لوں گا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. بیماری جو انسان کے اندر آنے کی رکاوٹ بن سکتی ہے، آنے کی رکاوٹ بن سکتی ہے، اسے دو امور کے اندر سمیٹا جا سکتا ہے، دو امور کے اندر انہیں لیا جا سکتا ہے. جو مانع کا کام کر سکتی ہے بیماری کے آنے کا، کہ بیماری نہ آئے، پہلا حصہ حسم مادتی ہی. دو اہم چیزیں ہیں جنہیں شریعت چاہتی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر ایک غض البصر، نمبر ایک قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، غض البصر. نمبر دو شغل القلب بما هو انفع له، شغل القلب بما هو انفع له، دل کو زیادہ فائدہ دینے والی چیزوں سے بھر دینا. آپ خالی جگہ اس کے لیے چھوڑے ہی نہیں، وہ آ کر کے ڈھونڈے تلاش کرے اس کو جگہ ملی نہیں رہی ہے. جو بھی جگہ ہے وہ پہلے سے فل ہے، وہ آ کر ٹکرا کے واپس چلی جائے. کناتحن سخرتن یوم لیوہنہا، وہ ایسے ہے کہ جیسے آ کر کے پتھر پہ اپنا سینگ مار مار کر کے اپنی سینگ کو توڑ کر کے واپس چلی جائے.
उसके अंदर जगह मिले ही नहीं। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह बिमा हुआ अनफा लहु, बिमा हुआ अनफा लहु, जो बहुत ज्यादा उसके लिए नफा बख्शे हैं उससे दिल को आबाद रखना। ये दिल अल्लाह ने पैदा किया है रब्बे करीम के लिए, रब्बे करीम की मोहब्बत के लिए, औरों की मोहब्बत की गुंजाइश इसके अंदर नहीं है। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। फिर दूसरी मोहब्बतें जो ताबे हैं रब की मोहब्बत के वो तो गुंजाइश पाएंगी, लेकिन जो ताबे नहीं है उनके लिए वहां पे कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसीलिए मुअल्लिफ ने यहां पे दूसरी जो शक्ल जिक्र किया है कि दिल को ज्यादा नफा बख्श चीजों से आबाद कर देना ताकि इस तरह की बीमारियों के अंदर वाक़े न हो सके। उसमें दो चीजें आ सकती हैं जो कुछ देर पहले भाई ने जिक्र किया, दो चीजें आ सकती हैं। नंबर एक खौफुन, हसन माशाल्लाह, दो चीजें आ सकती हैं, खौफुन मुकलिकुन, नंबर दो हुब्बुन मुज़िजुन, बे इंतहा खौफ जो इंसान को बेचैन कर दे, खौफ। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। खौफ मुकलिक, बे इंतहा खौफ दिल के अंदर मौजूद हो तो यह खौफ इंसान को किसी के आने के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट होती है रब की चाहत के अलावा। और दूसरा है हुब्बुन मुज़िज, और बे इंतहा मोहब्बत, आला दर्जे की मोहब्बत जितना मुमकिन हो सकता है, जिस कदर मुमकिन हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से दिल को आबाद करना। तो अगर शौक रब्बे करीम से मिलने का इंसान के ज़हनो दिमाग पर बसेरा डाले हुए है तो वो शौक उसके पैर को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। शौक से भागता चला जा रहा है कहां, अपने मंजिल की तरफ। यसीरु इलल्लाह हुब्बन फीही, या खौफ से जहन्नम के आग के दीगर और चीजों के खौफ से वो ठहर नहीं रहा है, दाएं बाएं झांक नहीं रहा है, बल्कि भागता हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ सैर कर रहा है। फफिर्रो इलल्लाह। तो या तो खौफ है और या मोहब्बत है, जिससे दिल को अगर उसने आबाद कर रखा है तो ये दूसरी चीजें जो आ करके उसके दिल को भटका रही हैं, इधर उधर रुकने का, ठहरने का, पड़े रहने का, इधर उधर मुतालिक लग जाने का, इनसे उनसे जुड़ जाने का जो सिलसिला लग जाता है, ये इन्हीं दोनों में कमी की वजह से है। या तो रब्बे करीम की मोहब्बत और चाहत, और या अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ। मैं समझता हूं इसी पर बात को रोक ली जाए क्योंकि टाइम से ऊपर 5-7 मिनट जा चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की मुश्किलात से, हर तरह की तकलीफ से और हर तरह के वसवसों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें कल्बे सलीम अता फरमाए, साफ सुथरा दिल अता फरमाए, अच्छा और बेहतर काम करने वाला बनाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी पाने वाला बनाए। तज़किए नफ्स के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन फलाह दारैन हमें अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन व
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.